ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना काल में वैक्सीन शब्द लोगों की जुबान पर है। हर भारतीय कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम से परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि रांची में भी कभी वैक्सीन बना करता था, वह भी ऐसा वैक्सीन जिसको हर अस्पताल में रखना अनिवार्य होता है। दरअसल रांची के नामकू में जिस परिसर में आज NHM का स्टेट हेडक्वार्टर के साथ साथ RCH, IPH, फूड लेबोरेटरी और तमाम स्वास्थ्य महकमे के विभाग चलते हैं, वह कभी राज्य टीकौषधी संस्थान यानी गवर्नमेंट वैक्सीन इंस्टीट्यूट हुआ करता था। 121 एकड़ में फैले इस विशाल वैक्सीन इंस्टीट्यूट में एंटी रेबीज वैक्सीन का निर्माण किया जाता था। यहाँ की बनी वैक्सीन से बिहार के अलावा बंगाल, उड़ीसा और नेपाल तक के लोगों की जान बचाई जाती थी। 1986 से ही राज्य टीकौषधी संस्थान में सेवा देने वाले क्लर्क टोबियस रुंडा कहते हैं कि एक समय में यहाँ काफ़ी रौनक हुआ करती थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर भेड़ और चूहे रखे जाते थे, क्योंकि उस समय की जो तकनीक थी उसमें भेड़ के ब्रेन में ही रेबीज का वायरस इंजेक्ट किया जाता था और उससे बनने वाले एंटीबॉडी को फिर वैक्सीन के रूप में निकाल कर उसका वैक्सीन बनाया जाता था। उस समय यहाँ काफ़ी स्टाफ थे और मैसेंजर लेने के लिए आते थे दवा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था। भेड़ के ब्रेन से तैयार किया जाता था, इसको टेस्टिंग फिर चूहा में किया जाता था। हाँ, चूहा भी रखा जाता था। भेड़ सप्लाई बंद हो गया, ये ठेकेदार सप्लाई करते थे, तो जब इसका आवंटन नहीं आने लगा तो उसके बाद भेड़ सप्लाई बंद हो गया। टोबियस लुंडा ईटीवी भारत को बताते हैं कि 1993 से पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में वैक्सीन का निर्माण किया जाता था, लेकिन सरकार की ओर से 1993 ईस्वी में ही संस्थान को आवंटन देना बंद कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि भेड़ सप्लाई करने वाले सप्लायरों ने भेड़ सप्लाई करना ही बंद कर दिया। ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पर वैक्सीन के निर्माण का काम बंद हो गया। कुछ दिनों तक स्टॉक में बचे वैक्सीन और भेड़ों से काम चलाया गया, लेकिन फिर हमेशा के लिए यह वैक्सीन इंस्टीट्यूट बंद हो गया। हैरत की बात यह है कि 1993 में ही संस्थान के बंद हो जाने के बाद भी कागजों पर यह संस्थान अभी चल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय के कैंपस में ही एक बोर्ड और चंद कुर्सियों के सहारे पूरा का पूरा सरकारी वैक्सीन इंस्टीट्यूट अभी भी कागजों पर चल रहा है। अभी भी 35 स्टाफ इसमें बचे हुए हैं, जिनके वेतन पर सरकार हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च करती है, पर नतीजे में 1993 के बाद से एक डोज भी वैक्सीन का उत्पादन यह संस्थान नहीं कर सका है। अगर पुरानी बातों को याद करें तो एक बोर्ड, पुरानी कुर्सियां, टेबल और कचरे में तब्दील कुछ मशीनें यहां पर अभी भी बची हुई हैं, जो यह याद दिलाती हैं कि कभी इस संस्थान में टीका यानी कि वैक्सीन बना करता था। ये तो गवर्नमेंट वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, पहले यहाँ एंटी रेबीज का वैक्सीन सीरम वैक्सीन बनता था। ये 1914 में स्थापित हुआ था और 93 के बाद से यहाँ वैक्सीन 93 से ही वैक्सीन बनना बंद हो गया। इसके लिए लाइसेंस के नवीकरण के लिए भी भेजा गया तो लाइसेंस भी रिन्यूअल नहीं हुआ। उसके बाद यह ऑफिस होकर रह गया खाली। तो अभी क्या काम है? GBI में अभी कितने हैं? GBI में अभी टोटल स्टाफ 35 होगा। 114 था, 35 बचे, लोग रिटायर करते गए, बहाली भी नहीं हुआ। तो कौन कौन से सबसे ऊपर के पोस्ट पे कौन है? ऊपर का पोस्ट में तो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। बाकी हमारा ऑफिस स्टाफ लोग है। बस 34 हो जाएंगे, एक छोड़ दे तो हम 35 होंगे। 35 ऑफिस स्टाफ और हम एक सुपरिंटेंडेंट। तो इतने स्टाफ पे कितना सैलरी हर महीने खर्च करते हैं? जो कर्मचारी अधिकारी बचे हुए हैं उनके सैलरी पर कितना हर साल खर्च होती है? होता है वही करीब करीब 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच। विशेषज्ञ बताते हैं कि
राज्य के GVI यानी गवर्नमेंट वैक्सीन इंस्टीट्यूट के बंद हो जाने का तत्कालीन वजह 1993 में चाहे जो भी रही हो, लेकिन आज के हालात में इसे चालू करना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले दो दशक में विश्व में वैक्सीन बनाने की तकनीक काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और GVI की तकनीक काफ़ी पुरानी थी। अब उस तकनीक से वैक्सीन का निर्माण नहीं होता है। फिर भी अगर सरकार चाहे तो इस संस्थान को पुनर्जीवित कर सकती है और इसको अपग्रेड करके फिर से चालू कराया जा सकता है। यह राज्य और देश के लिए गौरव की ही बात होगी। ये तो अगर इस तरह की बात है, लेकिन जो वैक्सीन आजकल चल रहा है वो इससे अच्छा वैक्सीन नहीं है। आजकल का वैक्सीन जो होता है सब डोज में पड़ता है, कि अभी जो सिस्टम है ना एंटी रेबीज वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सब लेके उसके लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा चाहिए जो कि उस तरह का चीज़ होता है। तो इसीलिए एंटी रेबीज वैक्सीन, इसीलिए इसको जो है सो ये पेट वाले सुई को रोका गया, जब ऑलरेडी बन गया ये सुई और सब तो कंपनी सब। अब तो इसको तो देखना पड़ेगा कैसे होता है, इस संबंध में तो हम इसमें कुछ नहीं बतलाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ एंटी रेबीज वैक्सीन की जो बात है वो अच्छी बात है। जो भी सर कि अगर हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं तो आज भी हम लोग गर्व से कहते हैं कि अपने यहाँ सफलता है। नहीं ठीक है, बनेगा उसमें जो अगर लोग चाहेगा, चाहत तो बहुत बड़ी ये चीज़ होती है ना। अगर इसमें अगर इसमें होगा गाइडलाइन हो जाएगा कि करना है तो करना है और बनेगा ही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सरकारी संस्थानों के सफ़ेद हाथी बंद कर रह जाना कोई नई खबर नहीं है, पर बात अगर वैक्सीन और स्वास्थ्य से जुड़ी हो तो यह सवाल तो उठता ही है कि अगर समय रहते सरकार ने इस संस्थान पे ध्यान दिया होता तो यह सफ़ेद हाथी बनकर नहीं रह जाता। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।